आखिर क्या सीक्रेट है इस स्केरी हाउस का और आखिर क्यों लोग 777 सीट को नहीं खेलते हैं। आज मैं बताऊंगा इन सीक्रेट्स के पीछे की स्टोरीज। सो लेट्स बिगिन। द हॉन्टेड हाउस। ये स्टोरी है मैक्स की, जो कि अल्फा फेस से माइनक्राफ्ट खेल रहा है, मतलब जब हीरो ब्रांड फर्स्ट अपीयर हुआ था तभी से। एक दिन रोज की तरह जब मैक्स डायमंड को माइन करने के लिए जा रहा था तो उसे एक केव मिली जो कि पहले वहां नहीं हुआ करती थी, पर उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर वो उसके अंदर डायमंड्स की तलाश में चला जाता है और वहां उसे डायमंड्स भी मिल जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। बट उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि सडनली उसकी सारी टॉर्चेस गायब हो जाती हैं और हर जगह अंधेरा हो जाता है। बट वो इस कंडीशन में घबराता नहीं है और उसके पास कोल और वुड भी थे जिससे वो टॉर्चेस बना के दोबारा प्लेस कर देता है और वो इस इंसिडेंट को माइनक्राफ्ट का एक ग्लिच समझ के इसे इग्नोर कर देता है और अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता है। कुछ टाइम बाद उसे टॉर्चेस की एक लाइन दिखती है जो कि केव के अंदर जा रही होती है और ये टॉर्चेस वही टॉर्चेस होती हैं जो गायब हो चुकी थी पहले। तो मैक्स उसे फॉलो करने का डिसाइड करता है और केव के अंदर जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उसे केव के अंदर एक हॉन्टेड हाउस मिलता है और उस हॉन्टेड हाउस को देखने के बाद वो उसके अंदर जाने का डिसाइड करता है। बट उसे अंदर जाने के लिए कोई डोर नहीं मिलता तो वो ब्लॉक्स को तोड़कर अंदर जाता है और अंदर का नजारा देख के वो डर जाता है। एक्चुअली जगह जगह ब्लड पड़ा था, हैट्स, कैंडल्स और रिचुअल का सामान हर जगह पड़ा होता है। तो सडनली उसकी स्क्रीन ब्लर होने लगती है तो वो जैसे तैसे उस जगह से निकलता है और अपने घर वापस आ जाता है। और मैक्स इस इंसिडेंट को अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहता था तो वो उन्हें कॉल करके अपने घर पे बुला लेता है। कुछ टाइम बाद उसके दोस्त घर पर आ जाते हैं और जब मैक्स उस केव की जगह पे दोबारा जाता है तो केव ही गायब हो चुकी थी। बट मैक्स वहां के हर ब्लॉक को हटाकर देखता है, उसे केव का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब ये सवाल सामने आता है कि क्या वो हाउस रियल था या फिर मैक्स की कोई इमेजिनेशन, और क्या इस इंसिडेंट के पीछे कोई एंटिटी छुपा हो सकता है। कमेंट डाउन योर थॉट्स। 777 एक ऐसा सीट जिसमें लोगों के साथ स्केरी इंसिडेंट होते रहते हैं। बट आज मैं जॉर्ज की स्टोरी बताऊंगा। एक्चुअली हम सब की तरह जॉर्ज ने अभी 777 सीट की स्टोरी सुन रखी थी, वो इन्हें टेस्ट करना चाहता था। तो जॉर्ज इन स्टोरीज को टेस्ट करने के लिए इस सीट में आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो माइनक्राफ्ट को इस सीट में एंड करके दिखाएगा और एंडर ड्रैगन को किल करके दिखाएगा। ये बात है 25 मार्च 2021 की। इसी दिन जॉर्ज ने ये सीट खेलना स्टार्ट किया था। उसे इस सीट में जगह जगह क्रॉस, फ्लोटिंग ब्लॉक्स और बहुत सारी अजीब चीजें दिखती थी। बट जॉर्ज माइंडसेट बना के आया था कि उसे इसका सीक्रेट पता करना है और एंडर ड्रैगन को किल करना है, तो वो आगे खेलना कंटिन्यू रखता है। बट हर दिन उसके साथ कुछ ना कुछ स्केरी होता रहता है। कभी कोई उसका हाउस तोड़ देता है तो कभी उसका प्लेयर मूव होना बंद कर देता है। एक्चुअली में जॉर्ज इन सब चीजों से डर नहीं रहा था बल्कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। कई दिनों की मुश्किलों के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया जब उसे एंड वर्ल्ड में जाकर एंडर ड्रैगन को किल करना था। बट जब वो स्ट्रॉन्ग होल्ड को लोकेट करने के बाद उसके पास आता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि उस स्ट्रॉन्ग होल्ड का एक ब्लॉक पहले से ही गायब होता है, मतलब वो एंड वर्ल्ड में नहीं जा सकता और एंडर ड्रैगन को नहीं किल कर सकता, मतलब वो गेम भी कंप्लीट नहीं कर सकता। और इस चीज को देख के उसने अपना कीबोर्ड और पीसी तोड़ दिया और फिर कभी माइनक्राफ्ट नहीं खेला। एक्चुअली ये तो मुझे एक कॉमेडी स्टोरी लग रही है जिसमें एंटिटी ने प्लेयर के मजे ले लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।